बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अपनी छत अपना घर, इस प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। इसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से लोग अहल हैं और ख़ुद अगर अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मालूमात कहाँ से मिलेंगी, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में मौजूद है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी फरमाएँ। सबसे पहले इसकी जो अहम शर्त है वो है, जो शहरी इलाके हैं या देहाती इलाके हैं उनके लिए भी कितना जो है प्लाट चाहिए, कितनी ज़मीन चाहिए। जो शहरी इलाके हैं उनमें 5 मरला और देही इलाकों में 10 मरला का जो प्लाट है वो होना चाहिए जो दरख्वास्त दे रहा है। इसके अलावा इसको ऑनलाइन आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी कंप्यूटर की शॉप पर जाके वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सामने आपको नज़र भी आ रही वेबसाइट, इस पर जाएंगे आप, वहाँ पर ये सारा निकल आएगा फॉर्म जो है और बाकी हिदायत वगैरह। इस वीडियो के आखिर में भी फॉर्म हमने भेजा है एक नमूने के तौर पर। बिल्कुल आसान सा तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक आपने इसको करना है। बिला सूद कर्ज़ है ये, 15 लाख तक दिया जाएगा। शुरू में 70,000 ख़ानदानों को यह रकम जो है दी जाएगी। इस पर किसी किस्म का कोई टैक्स से कोई कटौती, कोई सूद वगैरह बिल्कुल नहीं है। 7 साल की किस्तें होंगी, 14,000 माहाना किस्त होगी और पहले 3 माह जो है किसी किस्म की कोई किस्त वसूल नहीं की जाएगी। अप्लाई कौन कौन कर सकता है, पहले तो जो अप्लाई करे उसे हेड होना चाहिए फैमिली का, परमानेंट यानी मुस्तकिल तौर पर पंजाब का रहने वाला हो, कोई उस पर जुर्म ना हो, FIR दर्ज ना हो, और जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री उसमें उसका जो स्कोर है वो 60 से कम हो या 60 हो। इस लिंक पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो अहम चीज़ है, अगर वो बंदा कोई यहाँ नहीं रह रहा, वो बाहर रह रहा है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। मतलब पंजाब के अलावा कहीं और किसी और सूबे में है लेकिन उसका परमानेंट जो एड्रेस है वो तो पंजाब का ही होगा, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और जो अहम चीज़ है वो प्लाट है, प्लाट उसके नाम होना चाहिए, ज़मीन हो उसके नाम होनी चाहिए लाजमी, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकेगा बंदा या उसकी दरख्वास्त जो है रिजेक्ट हो जाएगी। शनाख्ती कार्ड पर बकायदा जो है उसको पंजाब मेंशन होना चाहिए CNSA के मुताबिक। उसके बाद जो दरख्वास्त वाला बंदा है डिफ़ॉल्टर भी नहीं होना चाहिए किसी बैंक का, यानी उसका कोई लोन वगैरह लिया हो दिया ना हो, वो भी नहीं होना चाहिए। और सोशो इकोनॉमिक जो रजिस्ट्री है उसमें 60 से कम का मतलब ये है कि वो निचली लकीर से भी नीचे होना चाहिए, यानी निचली लकीर तक होना चाहिए, गुर्बत की जो लकीर है उसके मुताबिक उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। ये फॉर्म है अपना घर अपनी छत अपना घर का, बिल्कुल सिंपल इसमें तरीका कर दिया हुआ है। शिनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस, ये वो इस तरह की सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। खुद करें तो ठीक है, नहीं तो कंप्यूटर की शॉप से करवा लें। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब फरमाना नहीं भूलना। कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।